हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। Xiaomi दोस्तों जल्दी भारतीय बाजार में अपना एक और नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है और वो स्मार्टफोन है दोस्तों Redmi 10A, जो दोस्तों कंपनी का बजट स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन दोस्तों 20 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। ये फोन दोस्तों एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने के बावजूद आपको काफी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाला है। कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में दो वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Redmi 10A स्मार्टफोन से जुड़े सभी खबरों के बारे में कि कंपनी इसकी प्राइस क्या रख सकती है, कौन से स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ ये फोन आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलने वाला है और क्या इस स्मार्टफोन के लिए हमें वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैमचो टेक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं Redmi 10A स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की होने वाली है, इसकी फ्रेम प्लास्टिक की होने वाली है और फ्रंट में दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है। हालांकि दोस्तों कंपनी की तरफ से अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कंपनी यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दे सकती है। तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है। वही दोस्तों डिजाइन की अगर बात करें तो काफी अलग डिजाइन के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों बैक साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक बड़ा सा कटआउट देखने को मिलने वाला है, जहां पर कंपनी ने दोस्तों सिंगल कैमरा दिया हुआ है। उसी के नीचे आपको एलईडी फ्लैश लाइट मिलने वाली है, जबकि नीचे की ओर कंपनी की ब्रांडिंग मिलने वाली है। वहीं फ्रंट में दोस्तों आपको वाटरप्रूफ टच डिस्प्ले मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन के डिजाइन ठीक ठाक लगे, लेकिन दोस्तों काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की दोस्तों अगर बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 विद MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाली। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करें तो बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर काफी शानदार डिस्प्ले मिलने वाली है। कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी हुई है, जो दोस्तों 10:9 एस्पेक्ट रेशियो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी डिस्प्ले आपको यहां पर मिलने वाली है। आपको दोस्तों कंटेंट देखने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया हुआ है। कैमरा सेटअप की दोस्तों अगर बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको बैक साइड सिंगल 13MP का कैमरा मिलने वाला है। वहीं दोस्तों फ्रंट में कंपनी ने स्मार्टफोन में 5MP का कैमरा दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप अच्छी फोटोग्राफी के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर बात की जाए तो काफी वीक कैमरा सेटअप आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिलने वाला है। इसी प्राइस पॉइंट पर दोस्तों आने वाले कई स्मार्टफोनों में दोस्तों इससे भी बेहतर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। पावर बैकअप के लिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर 5000 mAh की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को चार्ज होने में करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप भी आसानी से मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G25 चिपसेट मिलने वाला है, जो दोस्तों 10 nanometer बना हुआ पावरफुल 4G चिपसेट है। ये चिपसेट दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हीटिंग की इश्यू आपको काफी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ठीक ठाक गेमिंग कर पाएंगे, हालांकि दोस्तों आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4X एंड eMMC 5.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों इस चिपसेट की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से आपको काफी तगड़ा चिपसेट यहाँ पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर आप गेमर हैं और गेमिंग के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है। सिक्योरिटी की दोस्तों अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन में रियर साइड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इधर के उधर के ऊपर के नीचे के लगभग सारे प्रकार के सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अदर कनेक्टिविटी की दोस्तों अगर बात की जाए 3G 4G वाईफाई GPS ब्लूटूथ एंड USB Type-C पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये फोन आपको भारतीय बाजार में ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर 3 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकता है। वेरिएंट की दोस्तों अगर बात करें तो ये फोन आपको भारतीय बाजार में 3GB रैम और 32GB फोन स्टोरेज और 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज के दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है।
जिसकी दोस्तों एक्सपेक्टेड प्राइस 8,999 रुपए और 9,999 रुपए रह सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर दोस्तों आप 10,000 रुपए तक की 4GB रैम और 64GB फोर स्टोरेज वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि 10,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको 4GB रैम और 64GB फोर स्टोरेज मिल जाती है। आपको दोस्तों एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, पावरफुल बैटरी मिल जाती है और एक ठीक ठाक चिपसेट मिल जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।